तो यहाँ पे 1.1 सेंट पर वर्ड की आपकी अर्निंग हो जाती है, मतलब एक पेज का लगभग ढाई। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एवरेज जो है ना वो 1.6 की है, 1.6 की आपको एवरेज अर्निंग हो ही जाती है। अगर आपकी राइटिंग स्किल और भी अच्छी है तो आपको यहाँ पे 5.5 सेंट्स मिल जाते हैं पूरे एक वर्ड के ऊपर, तो पूरे पेज का लगभग आपको यहाँ पे 1200 से 1300 रुपया मिल जाता है। पर एवरेज जो है वो है 400 रुपये की, तो आप मिनिमम 400 रुपये तो एक पेज पे कमा ही लेंगे, ठीक है। एक पेज में 300 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे पूरे $4.80, मतलब 400 रुपये। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो जॉब है ना जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, वहाँ पे किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये काम होने वाला है टाइपिंग का, तो जिस किसी को टाइपिंग में इंटरेस्ट है वो ये जरूर देखिए, ठीक है। ये काम होने वाला है वर्क फ्रॉम होम, आप अपने घर बैठे टाइपिंग का काम करके अर्निंग कर सकते हो। आपको राइटिंग करना है, सिर्फ एक पेज भी आप अगर राइटिंग कर लेते हो ना पूरे दिन भर में 400 रुपये की अर्निंग आसानी से हो जाती है एक पेज के ऊपर। और अगर आपको ये पार्ट टाइम में काम करना है तो सिंपली आप एक पेज टाइप करिए हर रोज, तो आपको 30 पेजेस के ऊपर लगभग 12,000 की अर्निंग हो जाएगी। अगर आपको ये फुल टाइम में काम करना है तो आप लगभग 20 से 30,000 भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये पार्ट टाइम और फुल टाइम में दोनों में अवेलेबल हो जाता है काम, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और जो रिटायर्ड पर्सन है वो सभी के सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज की लिमिट जो है ना वो 18 के ऊपर है, मतलब 18 साल के ऊपर आप यहाँ पे होने चाहिए बस। जिसको राइटिंग करके अर्निंग करनी है वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, मैं आपके लैपटॉप की स्क्रीन में अपने पूरा डिस्कस करता हूँ इस जॉब के बारे में, आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में रहेगी। तो वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं समझा दूंगा, स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हो तो कुछ आपके इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है, फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन ठीक से नहीं चला जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ज्यादा लंबा ये वीडियो होने नहीं वाला है, छोटे से कंटेंट में बनाता हूँ, ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आपका यहाँ पे आधा घंटा नहीं जाने वाला है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस वेबसाइट का नाम है textbroker.com। इस वेबसाइट में आप सिंपली राइटिंग करके अर्निंग कर सकते हो, और ये राइटिंग के स्किल पे आपके पैसे मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अर्निंग का भी यहाँ पे मौका है ना वो बढ़ जाता है, जैसे आपका लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है, आपकी रेटिंग बढ़ जाती है, तो आप अर्निंग भी ज्यादा कर सकते हो। मिनिमम 400 रुपया, मैक्सिमम आप 1200 रुपये एक पेज के भी कमा सकते हो। तो यहाँ पे 1.1 सेंट पर वर्ड की आपकी अर्निंग हो जाती है, मतलब एक पेज का लगभग 250 से 300 रुपये आपको मिल जाता है। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एवरेज जो है ना वो 1.6 की है, 1.6 की आपको एवरेज अर्निंग हो ही जाती है। अगर आपकी राइटिंग स्किल और भी अच्छी है तो आपको यहाँ पे 5.5 सेंट्स मिल जाते हैं पूरे एक वर्ड के ऊपर, तो पूरे पेज का लगभग आपको यहाँ पे 1200 से 1300 रुपया मिल जाता है। पर एवरेज जो है वो है 400 रुपये की, तो आप मिनिमम 400 रुपये तो एक पेज पे कमा ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका बैलेंस $10 के ऊपर चला जाता है तो वीकली आप यहाँ पे पेमेंट ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई विड्रॉल का मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अभी मैं अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊँ कि पूरे महीने में आपकी अर्निंग कितनी होगी सिर्फ राइटिंग का काम करके, तो मान लीजिए एक पेज आप राइट कर रहे हो पूरे दिन भर में, तो एक पेज जो होता है ना वो 300 वर्ड का होता है, तो एक पेज पे ऊपर आपको 300 वर्ड के ऊपर कितनी अर्निंग होती है। देखिए दोस्तों, वर्ड काउंटर में 300 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो आपकी $4.80 की अर्निंग हो जाती है। अगर मैं कैलकुलेट करके दिखा दूँ ना आपको, यहाँ पे $4.80 टू रुपीज में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे 399, मतलब 400 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कितना, सिर्फ एक पेज राइट करने के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पेज में 300 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे पूरे $4.80, मतलब 400 रुपये। और ऐसे ही करके पूरे महीने भर में एक एक पेज आप लिखते हो, 30 दिन में आप 30 पेजेस लिखते हो, तो लगभग 9000 वर्ड्स हो जाते हैं आपके पूरे महीने में। तो 9000 वर्ड्स आपके जैसे ही कंप्लीट होते हैं ना, तो यहाँ पे लगभग कितनी अर्निंग होते हैं मालूम है आपको, यहाँ पे मैं 9000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे $144 की आपकी अर्निंग हो जाती है। तो 144 को यहाँ पे मैं अभी डाल देता हूँ, देखिए दोस्तों, पूरे मैंने आपको बताया था कि कुछ 12000 मिलते हैं, हाँ 11900 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब 12000 रुपये आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और इनिशिएटिव लेते हो, आपको ये वर्क फ्रॉम होम, देखिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं एक पेज लिखने के लिए, तो आपके पास 2 से 3 घंटे मिल जाते हैं, आप पार्ट टाइम में ये काम कर सकते हो। अगर आपको ये फुल टाइम में काम करना है, अर्निंग अच्छी करनी है, तो वही 4 घंटे में आप 2 पेज लिख दीजिए, तो आपका 12 से 24 हज़ार का अर्निंग हो सकता है। महीने का 25-24 हज़ार कमाना, मतलब ये फुल टाइम का ही काम हो गया, और वो भी 4 से 5 घंटे में 2 पेज लिखना है खाली। तो ये काम जिसको भी करना है ना राइटिंग करके, बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है। और जिन लोगों को देखना है कि सैंपल पेज कैसे रहते हैं, मतलब एक आर्टिकल रहता कैसे है, तो सिंपली यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, और रेटिंग क्राइटेरिया के हिसाब से 3 स्टार रेटिंग का जो आर्टिकल रहता है ना वो कैसा होता है, 4 स्टार रेटिंग वाला और 5 स्टार रेटिंग वाला। देखिए यहाँ पे 3 स्टार रेटिंग वाला एक आर्टिकल है, हाउ टू रिड्यूस द साइन ऑफ एजिंग।
तो आप इसमें देख सकते हो इसने कितना लिखा हुआ है। इतना ही आपको एक आर्टिकल लिखना है, ये जो लिखा हुआ है ना इतना ही, ये एक पेज इतना ही है, ठीक है। इसमें 300 वर्ड्स है, ठीक है। तो ऐसा एक आपका पेज रहेगा, ये 3 स्टार रेटिंग वाला है। इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए उनका क्वालिटी हिसाब से 3 स्टार रेटिंग दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। सिंपली आपको यहाँ पे आना है होम पेज में, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्टली फ्री ऑथर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले सिलेक्ट करना है ऑथर, एन ऑथर टू अर्न मनी राइटिंग कंटेंट, साइन मी अप एज एन ऑथर के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। देखिए आपको यहाँ पे प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन है वो आप डाल दीजिए, या फिर आप कहीं पे स्टडी कर रहे हैं तो कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं वो लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपको इस वेबसाइट के बारे में कहाँ से पता चला है, तो आपको सिंपली यहाँ पे सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे एक्सपर्टीज में टॉपिक सिलेक्ट करने की, कौन से टॉपिक के ऊपर आप अच्छे से राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं या फिर आप गूगल सर्च करके कुछ टॉपिक्स को लिख सकते हो, तो वो चीज़ें जो भी है, जो भी टॉपिक्स है उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि एजुकेशन रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है, फिर कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, फिर ब्यूटी एंड आर्ट्स के ऊपर है। तो ये टॉपिक्स जो है जिनके ऊपर आप लिख सकते हो, जिनके बारे में आपको जानकारी है और एक पेज दो पेज आप आसानी से लिख सकते हो उनके बारे में, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। तो मैक्सिमम जितने आप सिलेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे रिपीट करना है, ठीक है। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि वो हैक ना हो सके। उसके बाद आई हियर बाय के ऊपर क्लिक करके, आई एग्री के ऊपर क्लिक करके, साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो साइन अप करने के बाद देखिए दोस्तों, आपका जो पूरा फॉर्म है ना वो चला जाएगा रिव्यू टीम के पास। रिव्यू टीम को देखिए दोस्तों, 1 से 2 वीक लग सकते हैं आपको रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है इसीलिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्त 1 से 2 वीक लग सकते हैं आपको रिप्लाई आने में, और जैसे आपको रिप्लाई आ जाएगा उस रिप्लाई में आपसे मांगा जाएगा एक सैंपल पेपर, जहाँ पे आपको 200 वर्ड का एक आर्टिकल लिखना है। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिख दीजिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 200 वर्ड्स का रहेगा, ये 300 वर्ड्स का नहीं रहेगा, मतलब पूरा पेज आपको लिखना नहीं है। सैंपल मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सैंपल जो मैंने आपको 3 स्टार रेटिंग वाला सैंपल दिखाया था, एक ऐसा आर्टिकल आपका रहेगा, ये 300 वर्ड का है, आपको 200 वर्ड का लिखना है, और उसी में पता चलेगा उनको कि आपको आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से आती है। वो सैंपल पेपर वो चेक करेंगे, आपको रेटिंग करेंगे, आपका जो आर्टिकल आपने लिखा है वो रेट करेंगे, 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार तक की रेटिंग रहती है। अगर आपका आर्टिकल 3 स्टार रेटिंग के ऊपर या फिर 3 स्टार रेटिंग वाला भी रहा ना, तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका आर्टिकल रेटिंग हो जाएगा, आपको यहाँ पे ईमेल फिर से आ जाएगा कि आपका रेटिंग जो है वो इतना है उस आर्टिकल का, और आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, एक लॉगिन पैनल मिल जाएगा इसी वेबसाइट में, और वहाँ पर लॉगिन करके आपको अपना काम शुरू कर देना है। तो अगर आपके पास टाइम है 1-2 घंटे तो आप ये कर दीजिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में। आपको यहाँ पे कोई बायोडाटा नहीं फिलअप करना है, सिंपली आपका ईमेल एड्रेस पासवर्ड ये डालना है और टॉपिक सिलेक्ट करके छोड़ देना है या साइन अप कर दीजिए, बस इतना ही काम है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक।